Hello everyone, let's start the exercise 8, which is based on the height and distance. In this exercise up to the question number 20 we have solved. Now I am going to start from the question number 21st, and the given question is the angle of elevation of a cloud from a point which is 20 meter above a lake is found to be 30 degree. Means a lake is given, मान लो ये lake है, and a point which is 20 meter above from this lake, let's suppose this is a 20 meter height, and a point A is here, clear? And from this point the angle of elevation of a cloud, मान लो cloud होगा तो इससे कुछ height पे होगा, अपन यहाँ मान लेते हैं, and the angle of elevation of this cloud is found to be 30 degree. What it? If the angle of depression of its reflection, तो ये मान लेते हैं अपन यहां से perpendicular, इसका reflection क्या होगा, जो ये length height है उतनी ही इसकी इमेज बनेगी, ठीक है यहां तक? And it is found to be 60 degree from the point A. Angle of depression of the reflection from the same point is found to be 60 degree. Then find the distance of cloud from the point A. हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट, मान लो ये पॉइंट B है, B पे आपका क्लाउड है, C D E ऐसे करके मान लेते हैं, ये F मान लिया, ठीक है यहां तक? वुड वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B. हमें क्लाउड की पॉइंट ए से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. चलो तो फिर करते हैं स्टार्ट. देखो इफ दिस इज 20 देन इट इज आल्सो 20, और अपन इसको एच कंसीडर कर लेते हैं. लेट्स सपोज दिस हाइट इज एच. अब देखो यहां से ये आपका हुआ सरफेस वाटर लेवल, ये डिस्टेंस, सॉरी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल रहेगी, क्योंकि ये सरफेस है, वाटर लेवल आपका, वाटर लेवल में ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसकी इमेज होगी, तो ये ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वाटर लेवल से वो इसकी इमेज की लेंथ दोनों इक्वल होंगी. तो यहां से देखिए ये लेंथ कितनी हुई, एच प्लस 20. बात समझ में आई यहां तक? एंड दिस इज एच प्लस 20, तो अपन देखो कौन सा ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे, एक तो ये सेलेक्ट करेंगे और एक अपन ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे ये, और दोनों में कॉमन ये साइड है तो अपन इसको अक्ष कंसिडर कर लेते हैं, और ये लेंथ यहां से लेके यहां तक टोटल कितनी हो जाएगी, एच प्लस 20 प्लस 20 इज इक्वल टू एच प्लस 40, ठीक है यहां तक? अब चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आपको वो बेसिक चीजें लिखनी है, वो आप मेंशन कर लेना, जो भी इसके बारे में स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने यहां पे मेंशन किया है एवरीथिंग. एंड नाउ आई एम सेलेक्टिंग द ट्राइंगल एबीसी फ्रॉम ट्राइंगल इन दिस केस थीटा इज 30 डिग्री, देन टेन थीटा, tan theta is 30, perpendicular is this and base is this, so h upon x, tan 30 is 1 upon root 3 is equals to h upon x, cross multiply करेंगे तो हमें पता ये आ गया आपके पास, x is equals to root 3 h. let's suppose this is the equation number first. हमें ध्यान रखना, हमें कैलकुलेट a भी कैलकुलेट करना है, तो ये दोनों लेंथ आ जाएंगे तो अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, या इन दोनों में से कोई एक भी आ जाएगा तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे. अब सेलेक्ट कर लो ट्राइंगल ये वाला, फ्रॉम ट्राइंगल ए सी ई, इन दिस केस थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, सेम फॉर्मूला, टेन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, देखो यहां से लेके यहां तक, एच प्लस 40 अपॉन बेस, बेस इज अक्स. बात समझ में आई यहां तक? टेन 60 इज रूट 3,
इज इक्वल्स टू एच प्लस 40, एच प्लस 40 मिला हमें, और अक्स की वैल्यू यहां से अप्लाई कर दो इसमें, अक्स इज रूट थ्री एच अपॉन रूट थ्री एच, मल्टीप्लाई इट क्रॉस रूट थ्री थ्री एच इज इक्वल्स टू एच प्लस 40, ट्रांसपोज द लाइक वैल्यूज और द वेरिएबल्स, 2h is equals to 40 implies that h is equals to 20 meter. अब देखो h की वैल्यू अपने पास क्या आई, 20 meter. अपन मान लेते हैं ये डिस्टेंस अपन y कंसिडर कर लेते हैं. लेट सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द क्लाउड इज इक्वल्स टू y. अब वापस ये ट्राइंगल सेलेक्ट कर लो, इसमें इन दोनों के बीच में रिलेशन कर देंगे, ये हो गया अपना परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस. अगेन फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड परपेंडिकुलर इज एच विच इज 20 अपॉन वाई, साइन 30 इज 1 अपॉन 2, 20 अपॉन वाई इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y इज इक्वल टू कितना आ गया 40 मीटर. सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन क्लाउड एंड द पॉइंट फ्रॉम विच वी आर ऑब्जर्विंग द क्लाउड. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज इजी, यू कैन सॉल्व योरसेल्फ. I am going to start now the next question, 23rd. A man on the deck of ship is 10 meter above the water level. A deck is given of a ship which is 10 meter above the water level. ये मान लेते हैं यहां पे आपका deck है और इसके ऊपर कोई man observer है मान लो, और ये distance height कितनी है 10 meter. He observes that the angle of elevation on top of a hill is 60 degree. Let's suppose यहां पे कोई hill होगी ऐसे और उसकी ये height है और यहां से इसके top का जो elevation angle है वो कितना है 60 degree. Got it? And the angle of depression of the base is 30 degree. ये इसका base रहा bottom और यहां से इसका depression angle कितना है 30 degree. Then find the distance of hill from the ship and height of the hill. देखो हमें एक तो ये कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन ship एंड द हिल, और एक हमें हाइट ऑफ हिल, तो हिल यहां से लेके यहां तक है, तो अब मैं इसको h कंसिडर कर लेता हूं. क्लियर है बात यहां तक? इफ दिस इज 10 मीटर देन इट इज ऑल्सो 10 मीटर, इट इज x. तो ये भी कितनी हो जाएगी आपकी अक्स, लेवल करें तो ए बी सी डी एंड ई. अब थोड़ा सा ध्यान से, हमें एक तो ये ट्राइंगल सेलेक्ट करना है और दूसरा अपन ये ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे. क्लियर बात यहां पे? तो इस ट्राइंगल के लिए ये लेंथ नहीं है अपने पास, तो अपन इसको कैलकुलेट जरूर कर सकते हैं जो कि होगी अपनी एच माइनस 10 from A to B. Now apply the formulas. First of all, I am selecting triangle ECB or BCE जो भी from triangle EBC. In this theta is equals to 30. Hypotenuse is not given. It means perpendicular and perpendicular and the base are available. So 10. थर्टी डिग्री परपेंडिकुलर इज टेन अपॉन बेस इज अक्स, टेन थर्टी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू टेन अपॉन अक्स, मल्टीप्लाइड क्रॉस अक्स इज इक्वल टू टेन रूट थ्री मीटर. सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द हिल. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें एच कैलकुलेट करना है. ना अगेन फ्रॉम ट्रायंगल
A-B-E. Theta is 60 degree, perpendicular is h minus 10 upon base is similarly us, got it? And 1060 is equals to root 3 is equals to h minus 10 upon x is equals to 10 root 3, multiply cross, result क्या मिलेगा हमें, 10 root 3 into root 3, 10 into 3 is equals to h minus 10. इसको धर ले आओ, h is equals to 30 plus 10 और finally h is equals to 40 meter. This is the height of the hill from the surface of the water. Okay student, I hope you understood the process of both of the question. So please pause this and note it down. Now the next question, question number 24, and this is easy question, you can solve yourself because this type of the question I have already explained, and now I am going to start the question number 25th, which is a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle or depression of 30 degrees. मीन्स ऐसे दे रखा कि कोई एक टावर है, ये मान लो यहाँ पे कोई टावर है और एक स्ट्रेट हाईवे है जो इसके फुट की तरफ जा रहा है और इसके ऊपर कोई एक मैन है, ऑब्जर्वर है जो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है जो कि यहाँ पे है और उसका डिप्रेशन एंगल जो है वो कितना है, 60 डिग्री, डिप्रेशन सॉरी 30 डिग्री, क्लियर, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. Means ये कार जो है वो इधर जा रही है एक कॉन्स्टेंट स्पीड से. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. देखो after the 6 seconds the car travel a distance of, let's suppose this distance traveled by the car is, या फिर अपन ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, आफ्टर द 6 seconds द कार रीच्ड एट दिस पॉइंट एंड द एंगल फाउंड टू बी 60 डिग्री. बात समझ में यहां तक, अभी तक ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं किया है, डायग्राम लेवल करें तो ए बी सी डी एंड लेट सपोज दिस इज द पॉइंट ई, क्लियर है यहां तक. अब देखो इसने यहां से लेके यहां तक आने के लिए कितना टाइम लिया, 6 सेकेंड. अपन एक काम कर लेते हैं, इसकी स्पीड डिराइव कर लेते हैं, लेट बी द स्पीड ऑफ कार इज इक्वल्स टू एक्स मीटर पर सेकेंड, क्योंकि भाई 6 सेकेंड में यहां से लेके यहां तक आई है तो अपन सेकेंड में कैलकुलेट कर लेते हैं और सेकेंड में इसने कुछ मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की होगी शायद. देन द कवर डिस्टेंस सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 1 सेकेंड में x मीटर ट्रेवल करती है तो 6 सेकेंड में हो गई है 6x मीटर, तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी 6x मीटर, ठीक है यहां तक. अब हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको अपन मान लेते हैं y. बात समझ में आई, लेट बी द डिस्टेंस बिटवीन कार एंड टावर इज इक्वल्स टू y मीटर, क्लियर, ये y हुई.
और ये हाइट जो है वो एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे जो दोनों में कॉमन है और अपन इसको कंसिडर कर लेते हैं। एंड हाइट ऑफ द टावर, इज इक्वल्स टू एच मीटर, ये एच कंसिडर कर लिया। अब ट्राइंगल के एंगल्स की बात करते हैं, ये 30 है, देन दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 30, एंड इफ इट इज 60 देन इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 60 डिग्री। आर यू एग्री विद दिस? नाउ सेलेक्ट बोथ द ट्राइंगल्स वन बाई वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेलेक्टिंग दिस वन, और ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वाई प्लस 6x, ठीक है यार। अब एक तो देखो ये डिस्टेंस हुई, सॉरी एक तो ये ट्राइंगल और ट्राइंगल एबीसी फॉर्म ट्राइंगल, एंड इन दिस थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री इन ट्राइंगल एबीसी, टेन थीटा और टेन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 60 कितना होगा, टेन 60 इज रूट थ्री इज इक्वल टू एच अपॉन वाई, मल्टीप्लाई क्रॉस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू एच, एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, गॉट इट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगेन फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, देखो क्या मिलेगा हमें फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू ए बी डी, थीटा इज 30 डिग्री, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है यहां तक। अब देखो एक्चुअल में हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें y कैलकुलेट करना है, अक्ष हमारी स्पीड है, तो हम x एक्सिस में x को रिमूव करेंगे, तो यहां से x की वैल्यू यहां अप्लाई कर दो, tan 30 इज 1 अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू एच इज रूट थ्री वाई अपॉन वाई प्लस 6x, एंड दिस वी गॉट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3 √3 थ्री वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 6x, और ये इसको 2y इज इक्वल टू हो गया आपके पास 6x, एंड y इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 3x, ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है यहां तक। और आप इसको मीटर में कंसिडर कर सकते हैं। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू अपना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड डिस्टेंस इज 3x एंड स्पीड इज एक्स, एक्स कैंसिल बाय एक्स इज इक्वल टू 3 सेकंड। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 25। सो प्लीज स्ट्रेट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। And given question is question number 26 is the angles of elevation of the top of a tower from two points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line are complementary. Find the height of prove that the height of the tower is 6 meter. देखो हमें ऐसे देखा है, एक कोई टावर है और उसके एक ही साइड पे कोई दो पॉइंट है, एक तो 4 मीटर डिस्टेंस पे है टावर के बेस से और दूसरा है 9 मीटर डिस्टेंस पे, एंड द एलिवेशन एंगल्स बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये मैं थीटा कंसिडर कर लेता हूं, लेट सपोज दिस इज थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है यहां तक। और हमें क्या प्रूव करना है, हाइट ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 6 मीटर। सो आई एम सेलेक्टिंग बोथ द ट्राइंगल्स वन बाय वन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू थीटा, रहने दो डायरेक्ट लिख दो क्योंकि थीटा थीटा के फॉर्मेशन में है,
tan 90 minus theta. Perpendicular is h and base is 4. Tan 90 minus theta is 4 theta, h upon 4. Let's suppose this is the equation number first. क्लियर है यार? या इसको टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको भी कोट थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू फोर अपॉन एच, एंड लेट सपोज इट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. व्हाट इट अगेन, फ्रॉम ट्रायंगल एबीडी टेन थीटा, वेयर थीटा इज थीटा, perpendicular is h and base is 9, h upon 9. Equation number second. First and second both are equal because the LHS part are equal of the both the equation. So the right part, right hand side must be equal to each other. So from equation number first and second, h 4 upon h is equals to h upon 9. Multiply it cross. H square is equals to 36. H is equals to under root 36. I am avoiding minus symbol because the height never be negative. Finally, H is equals to 6 meter. This is the required result for the question number 26. And now the next question, 27. And the given question is 27th question. You can solve yourself. It is the easy question. And 28 also, you will try to solve both of the questions from question number 27 and 28. And it was the last question of the exercise 8, which was based on the height and distance. So, student, try to solve each and every question as I left in this exercise.